प्रिय दोस्तों, मैं ज्योतिष आचार्य पंडित नरेंद्रनाथ पांडे मध्य प्रदेश ग्वालियर से बोल रहा हूँ। आप लोग मेरे प्रोग्राम को, वीडियो को बड़े प्यार सने से देख रहे हैं, लाइक कर रहे हैं, सब्सक्राइब कर रहे हैं। इसी तरीके से लाइक सब्सक्राइब करते रहिए। मेरा पूरा प्रयास है कि आप लोगों को कुंडली के बारे में, ग्रहों के बारे में अपने वीडियो के माध्यम, प्रोग्राम के माध्यम से पूर्ण जानकारी प्राप्त करा पाए। आप लोग के सहयोग के लिए मेरे प्रत्येक वीडियो में मेरा मोबाइल नंबर दिया हुआ है, डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। फिर भी आप लोगों को बोल देता हूँ, मेरा मोबाइल नंबर 9425308111। दोस्तों, जो यह मोबाइल नंबर आप लोगों के सामने दे रहा हूँ, या आपके सहयोग के लिए दे रहा हूँ, आप लोग जब भी कोई कमेंट करें या प्रश्न करें तो वीडियो से संबंधित करें। अगर आप लोग अपने कुंडली का विशेष विश्लेषण कराना चाहते हैं, अधिक जानकारी लेना चाहते हैं, तो ऐसे में कुछ आप लोगों को आर्थिक सहयोग देना पड़ेगा, कुंडली देखने का कुछ फीस अदा करना पड़ेगा। आज मैं आपको एक सामने एक वीडियो रख रहा हूँ, गुरु मंगल बुध केतु की युक्ति। गुरु मंगल बुध केतु ये आपको एक जीवन में नई दिशा देता है, अच्छी उन्नति देता है, अच्छा सामाजिक प्रतिष्ठा देता है, विद्वान बनाता है, व्यापारी बनाता है, राजनीति में सफलता देता है। किस भाव में क्या फल देता है ये मैं आपको बतला रहा हूँ, लग्न से लेके 12 भाव के बारे में। जिस व्यक्ति के लग्न में गुरु मंगल बुध केतु की युक्ति हो, ऐसे लोग बुद्धिजीवी होते हैं, मेहनती होते हैं, इनमें इन आत्मबल होता है, इनमें कार्य करने की क्षमता होती है, और जीवन में कभी भी इनकी इज्जत प्रतिष्ठा बर्बाद नहीं होती। जिस व्यक्ति के दूसरे भाव में गुरु मंगल बुध केतु की युक्ति हो, ऐसे लोग अथाह धन कमाते हैं, अच्छी उन्नति करते हैं, ऐसे लोग राजनीति में सफलता पाते हैं, प्रशासनिक अधिकारी बनते हैं, और सामाजिक इनकी इज्जत प्रतिष्ठा अच्छी रहती है। जिस व्यक्ति के तीसरे भाव में गुरु मंगल बुध केतु की युक्ति हो, ऐसे लोग पराक्रमी होते हैं, ऐसे लोग जीरो से हीरो बनते हैं, अपने जीवन में जो कुछ भी इनके रहता है स्वयं का बनाया हुआ रहता है। जिस व्यक्ति के चौथे भाव में गुरु मंगल बुध केतु की युक्ति हो, ऐसे लोग अपने कला के द्वारा, अपने विद्या के द्वारा समाज में पूजे जाते हैं, समाज में अपनी पैठ, अपनी कला, अपने विद्वता के कारण बनाते हैं, ऐसे लोग लगनशील होते हैं, मेहनती होते हैं और पूर्ण सफल रहते हैं। परंतु क्योंकि चौथे भाव में मंगल नीच का हो जा भाव का हो जाता है, इस कारण जिद्द और क्रोध के कारण ये अपने बहुत से कार्यक्रम में अवरोध लाते हैं। जिस व्यक्ति के पांचवें भाव में गुरु मंगल बुध केतु की युक्ति हो, ऐसे लोग व्यवसायिक शिक्षा प्राप्त करते हैं, वैज्ञानिक शिक्षा प्राप्त करते हैं, ऐसे लोग न्यायाधीश बनते हैं, ऐसे लोग संगीतकार बनते हैं, कलाकार बनते हैं। जिस व्यक्ति के पांचवें भाव में गुरु मंगल बुध केतु की युक्ति हो, ऐसे लोग शत्रु विहीन होते हैं, कभी जेल नहीं जाते हैं, कभी इनको मानसिक पीड़ा नहीं होती है, और दुश्मन को भी अपना मित्र बना लेते हैं। जिस व्यक्ति के सातवें भाव में गुरु मंगल बुध केतु की युक्ति हो, ऐसे लोगों का पारिवारिक जीवन थोड़ा सा विवादाग्रस्त रहता है, लड़का लड़की कुंवारे हैं तो इनके शादी विवाह में रुकावट आती है, और इनके लव मैरिज कभी शादी सफल नहीं होती। जिस व्यक्ति के आठवें भाव में गुरु मंगल बुध केतु की युक्ति हो, ऐसे लोग गुप्त विद्या के ज्ञाता होते हैं, संगीत और अपने कला के द्वारा समाज में पूजे जाते हैं, और गरीब होते हुए भी इनकी पहचान बहुत अच्छी होती है। जिस व्यक्ति के नौवें भाव में गुरु मंगल बुध केतु की युक्ति हो, ऐसे लोग बहुत कम उम्र पर अपने पैरों पर खड़ा हो जाते हैं, ऐसे लोग करोड़ों रुपया कमाते हैं, ऐसे लोग को सरकार से अच्छी इज्जत प्रतिष्ठा मिलती है, ऐसे लोग राजनीति में अच्छा सफलता पाते हैं और पराक्रमी होते हैं। जिस व्यक्ति के दसवें भाव में गुरु मंगल बुध केतु की युक्ति हो,
ऐसे लोगों को, ऐसे लोग संसद बनते हैं, राजनीति बनते हैं, सरकार से इनको अच्छे पद की प्राप्ति होती है, उद्योगपति बनते हैं, व्यापारी बनते हैं और छोटे से नौकरी से उच्च पद की प्राप्ति करते हैं। जिस व्यक्ति के ग्रहमय भाव में गुरु मंगल बुध केतु की युक्ति हो, ऐसे लोग विदेश जाते हैं, विदेश से धन कमाते हैं, ऐसे लोग उद्योग के द्वारा पहचाने जाते हैं। ऐसे कुंडली वाले व्यक्ति कभी कर्जदार नहीं होते हैं, कभी भीख नहीं मांगते हैं, ऐसे लोग अपने जीवन में पूर्ण सफल रहते हैं। जिस व्यक्ति के बारहवें भाव में गुरु मंगल बुध केतु की युक्ति हो, इनके चौथेपन अच्छे जाते हैं, जमीन जायदाद के मालिक बनते हैं, अच्छी प्रॉपर्टी बनाते हैं और पूर्ण जीवन इनका सफल रहता है, चौथापन भी इनके अच्छे जाते हैं, संतान भी इनके योग्य होते हैं। ये छोटा सा वीडियो गुरु मंगल बुध केतु का आपके सामने रखा, ये आपके जीवन को नई दिशा, नई ज्योति, भाग्य को चमकाता है, जीवन में चार चांद लगाता है। ये आप सुनिए, इससे संबंधित कोई प्रश्न हो तो मुझसे संपर्क करिएगा, मैं प्रयास करूंगा आपका उत्तर देने के लिए। इतना कहते हुए वीडियो समाप्त कर रहा हूं, नमस्कार।